अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सबलिमेशन। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं सबलिमेशन, तो सबलिमेशन में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि सबलिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर्स में, यानी वो विदाउट चेंज इनटू लिक्विड फेज उसने डायरेक्टली कन्वर्ट होना होता है, किसमें वेपर फेज में कन्वर्ट होना होता है। और अगर हम सबलिमेशन की बात करें तो सबलिमेशन बड़ा सिंपल सा और एक बड़ा क्लियर सा कंसेप्ट है। ज़रा हम सबलिमेशन को बाय डेफिनेशन स्टडी करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें डायरेक्ट कन्वर्ट होता है सॉलिड इनटू वेपर्स बाय हीट करके विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, यानी वो लिक्विड फेज में चेंज हुए बगैर किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। और इस तरह का प्रोसेस हमारे पास कहलाता है सबलिमेशन, यानी इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते होते हैं, सबलिमेशन प्रोसेस जो है वो बुलाते होते हैं। अभी हमने पढ़ा सबलिमेशन के टॉपिक को। सबलिमेशन में हमने ये देखा कि सबलिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं वेपर्स में विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड। उसके बाद अगर मैं कुछ चंद एक एग्जांपल्स की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा, वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, एक कहते हैं हम सबलिमेंट और दूसरी टर्म है उसे हम कहते हैं सबलिमेट। अब सबलिमेंट की अगर बात करें और सबलिमेट की अगर बात करें, तो सबलिमेट हमारे पास वो सब्सटेंस होगा जो ऑब्टेन होगा आफ्टर सबलिमेशन, यानी सबलिमेशन के बाद जो प्योर सब्सटेंस हमें हासिल हुआ है ना, उसे हम कहेंगे सबलिमेट। और सबलिमेंट क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस विच इज सब्लाइम, यानी ऐसा सब्सटेंस जो इम्प्योर है और जिसकी हम सबलिमेशन कर रहे हैं वो कहलाएगा हमारे पास सबलिमेंट। तो सबलिमेट और सबलिमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। सबलिमेट हम उसे कहेंगे जो आफ्टर सबलिमेशन के बाद ऑब्टेंड होगा, और सबलिमेंट वो होगा जिसकी हम सबलिमेशन करना चाह रहे हैं, जो भी हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आयोडीन आ जाती है, एग्जाम्पल में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड आ जाता है, एग्जाम्पल में हमारे पास नाफ्थालीन आ जाती है, और एग्जाम्पल में हमारे पास बेंजोइक एसिड आ जाता है। अगर मैं फर्दर एग्जाम्पल की बात करूँ तो कभी कभी ये वाली एग्जाम्पल भी आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछ ली जाती है, ड्राई आइस। ड्राई आइस जिसे हम सॉलिड CO2 भी बुलाते हैं, इसकी भी हमारे पास सबलिमेशन हो सकती है, याद रखना बात। और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल। अब हमारे पास बड़ी सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी है जो हमने अंडरस्टैंड करनी है। अब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो खुद का खुद तो नहीं कन्वर्ट होगा ना, उसके लिए हमें उसे कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और हमें जिस भी किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, हम कहते हैं कि वो सिस्टम एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी हमें किसी सिस्टम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े तो हम जानते हैं कि वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि सबलिमेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हम मोलर हीट ऑफ सबलिमेशन की बात करूँ तो मोलर हीट से आपको बड़ा क्लियर एक टर्म समझ आ रही होगी, मोलर हीट। एक मोल सॉलिड को जब आप किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, उस दौरान आपको जो हीट देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ सबलिमेशन। अगर आप मोलर हीट ऑफ सबलिमेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप क्या ऐसा करें कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन प्लस मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन और मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन को जमा कर दें तो आपके पास मोलर हीट ऑफ क्या कहलाएगी, फ्यूजन कहलाएगी। और बड़ा सिंपल सा टर्म है कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटो, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है कि इसमें हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं वाटर।
तो इस तरह हम दोनों मोल्स को मोलर हीट्स को जमा कर दे तो हम मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कैलकुलेट कर लें। उसके अलावा बड़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे हम कहते हैं डेपोजिशन या हम इसे कहते हैं डी सब्लिमेशन। डेपोजिशन या डी सब्लिमेशन, जैसे आपने सॉलिड को किसमें कन्वर्ट किया था, गैस में, वेपर्स में कन्वर्ट किया था, तो जैसे अब ये गैस किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, यानी विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, हम कहेंगे उसकी डेपोजिशन होगी या ये कहेंगे कि डी सब्लिमेशन होगी। यानी सॉलिड जो लिक्विड जो वेपर्स था वो दोबारा किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो जाए तो इसे हम कहते हैं डेपोजिशन होना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो अंडरस्टैंड करने वाले भी है, जो आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है कि जो सब्लिमेशन है ये फिजिकल चेंज ओनली। क्या मतलब फिजिकल चेंज ओनली का क्या मतलब? लाइक मेरे पास एक एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला सभी जानते हैं NH4Cl। जैसे ही मैंने इसे हीट प्रोवाइड की तो ये दो तरह की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, एक में उसने हमें अमोनिया गैस दे दी और एक में हमें उसने HCl गैस दे दी। अब जरा देखिए सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, दो डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये कभी भी सब्लिमेशन नहीं कहलाएगी। यानी सब्लिमेशन में कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ करता, सब्लिमेशन में फिजिकल चेंज होती है। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखता हूं, जो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, अगर मैं उसे हीट करता हूं और ये अमोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इस तरह इसे हम सब्लिमेशन नहीं कहलाएंगे, तो आपने इस चीज को याद रखा है। इसलिए तो सब्लिमेशन है ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज। उसके अलावा दो तीन शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझने हैं कि सर ऐसा क्यों है कि चंद एक सॉलिड ही हैं जिनकी सब्लिमेशन की जा सकती है, इसके अलावा क्यों मतलब हम सारे सॉलिड्स की सब्लिमेशन नहीं कर सकते, इसका आंसर आपने कमेंट में डाला है। उसका अलावा जो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, सर हमें समझ आ गया कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में, इसे हम सब्लिमेशन बुला सकते हैं। सर क्या सेमी सॉलिड, आप जानते हैं सेमी सॉलिड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती है, सर क्या इनकी भी हम सब्लिमेशन करवा सकते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको किसी और बच्चे को इसका आंसर आता है वो भी कमेंट में जो है वो पेस्ट कर सकता है, ताकि हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर सकें। थैंक यू। अब हमारे पास आ जाता है सब्लिमेशन का प्रोसेस, उसके लिए हमें एक अपरेटस डिजाइन करना होता है। उस अपरेटस में हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले तो हमने वाच ग्लास लेनी होती है, और वाच ग्लास के नीचे ही हमने सैंड बॉटम रखना होता है, और उसके नीचे ट्राइपॉड स्टैंड और साथ नीचे हमने बंसन बर्नर का इस्तेमाल करना होता है हीट प्रोवाइड करने के लिए। तो जो वॉच ग्लास है उसमें हम इम्प्योर सब्सटेंस को प्लेस कर देते हैं, और उसके बाद उस पर एक इन्वर्टेड फनल रख देते हैं, और साथ में हम कॉटन प्लग जो है वो भी लगा देते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही हम उसे हीट करना शुरू करते हैं, जो सॉलिड होता है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और तो वो जो इन्वर्टेड फनल है उसके इन साइड्स जो वॉल्स हैं उसके ऊपर आ जाता है। इस तरह हम क्या करते हैं, उन जो वेपर्स हैं उन्हें दोबारा किस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा कह रहे हैं कि उन वेपर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह हम इम्प्योर सब्सटेंस को एक दूसरे से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। थैंक यू।